स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हमने कल के लेक्चर में देखा था प्रोसेस स्टेट्स कौन सी है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। तो सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, मतलब जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं सीपीयू के पास, तो जैसे मैंने प्रोसेस की स्टेट्स बोली थी आपको कल कि प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स को फॉलो करती है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में वो जाती है। वैसे ही मेमोरी में अभी प्रोसेस कैसे स्टोर होगी, ठीक है। सो प्रोसेस के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगे, तो वो कैसे होती है, थ्रू दी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रही है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम एक एक पॉइंट्स देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पॉइंटर। सो फर्स्ट है पॉइंटर। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या होता है, जैसे हम प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। सो प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूशन के लिए डालते हैं तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो एक प्रोग्राम में एक ही प्रोसेस नहीं होती, देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या है, इसके बाद कौन सी प्रोसेस आने वाली है या फिर इससे पहले कौन सी प्रोसेस थी, सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन रखता है, पॉइंटर, ठीक है। सो पॉइंटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में, पॉइंट आउट करता है नेक्स्ट प्रोसेस को, ठीक है। सो ये है पॉइंटर। उसके बाद है प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। सो देखो प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया कि प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है। लाइक सबसे पहले हमने देखा न्यू स्टेट होती है, फिर रनिंग होती है, सॉरी रेडी होती है, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर टर्मिनेटेड, ओके। सो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। सो यहाँ पे प्रोसेस स्टेट ब्लॉक जो है ये क्या इंडिकेट करता है कि अभी करंट में हमारी प्रोसेस किस स्टेट में एग्जीक्यूट हो रही है या फिर किस स्टेट में है। जैसे कि हो सकता है अभी वो सिर्फ न्यू स्टेट में हो, सो यहाँ पे क्या रहेगा, न्यू, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन रख रहा है अबाउट दी प्रोसेस। सो प्रोसेस स्टेट में क्या रहेगा, जिस भी स्टेट में अभी हमारी प्रोसेस है उस स्टेट के इंफॉर्मेशन रहेगी प्रोसेस स्टेट्स, ओके। सो ये है प्रोसेस स्टेट्स। उसके बाद है प्रोसेस नंबर, ठीक है। सो प्रोसेस नंबर क्या होता है, हर एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाली है या फिर एग्जीक्यूट हो रही है, सो हर एक प्रोसेस को एक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट के लिए होता है उसका रोल नंबर या फिर सीट नंबर, ठीक है। सो वैसे ही हर एक प्रोसेस को होता है हर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती होंगी एक साथ, तो उसमें से कौन से प्रोसेस कौन से है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, वाया प्रोसेस नंबर, ठीक है। सो ये शो करती है नंबर, प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर क्या है, देखो जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज मेरे पास ये प्रोग्राम है, कोड है मेरे पास, ठीक है, ये कोड है। तो यहाँ पे देखो एक मेरे पास फंक्शन है लाइक शो, और ये ऊपर का अलग कोड है, ठीक है। सो मेरी प्रोसेस यहाँ तक एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे सपोज ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है अभी, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आने वाली है वो है ये सेकेंड लाइन, ठीक है। सो इस लाइन के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। सो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। सो वो क्या डिसाइड करता है कि अभी जो इंस्ट्रक्शन है या फिर प्रोसेस है एग्जीक्यूट हो रही है, सो आपको पता है कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। सो प्रोग्राम काउंटर इंफॉर्मेशन रखेगा अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होने वाली है उसके बारे में प्रोग्राम काउंटर इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक। फिर है सीपीयू रजिस्टर। सो सीपीयू रजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा, देयर आर नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, दैट इज लाइक इंडेक्स रजिस्टर होता है, फिर होता है जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, और होते हैं स्टैक पॉइंटर या फिर स्टैक रजिस्टर्स होते हैं। सो देयर आर इंडेक्स रजिस्टर्स, स्टैक रजिस्टर्स, और जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं कहाँ पे, सीपीयू।
ये सारे रजिस्टर्स हमारी प्रोसेस यूज करती है फॉर द स्टोरिंग ऑफ सच लाइक वेरिएबल्स, जैसे उसको स्टोर करने हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो वो सारा कहाँ पे होता है, सीपीयू रजिस्टर्स में. सो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस ब्लॉक में रहेगी, सीपीयू रजिस्टर ब्लॉक में. ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेशन. सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ मेमोरी चाहिए होगी फॉर स्टोरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो उसको स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ स्पेस चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन देंगी वो कहाँ पे मैनेज होगी, मेमोरी एलोकेशन में. सो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन है जो भी प्रोसेस यूज कर रही है उसको मैनेज करता है ये ब्लॉक. ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, सो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है. ठीक है, फिर आता है इवेंट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट है इवेंट इन्फॉर्मेशन. सो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जब ऑकर होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हो, मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, तब हो सकता है कि किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, जैसे आईओ डिवाइसेस होते हैं, या फिर मेमोरी चाहिए होगी, या फिर कुछ भी इवेंट्स जो ऑकर होते हैं. ठीक है, सो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेंगी इवेंट इन्फॉर्मेशन में. और या फिर कुछ अकाउंटिंग भी होती है, मतलब कुछ इवेंट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखनी है, जैसे कितना टाइम के लिए सीपीयू यूज़ कर रहा है ये प्रोसेस. ठीक है, सो कितने टाइम में पार्टीशन हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, इवेंट इन्फॉर्मेशन. सो लास्ट वन इज है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या होता है, अभी जो प्रोसेस मेरे पास है जो एग्जीक्यूट हो रही है, उसको हो सकता है किसी नंबर ऑफ प्रोसेसेस या फिर किसी नंबर ऑफ फाइल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो वो जो सारी फाइल्स है जो ओपन हुई है, क्योंकि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तब क्या होता है कि बहुत सारे फाइल्स से वो डेटा एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो सारी की सारी फाइल्स ओपन होती है रैम में. ठीक है, सो उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ये ब्लॉक. सो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ फाइल्स जो ओपन है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अवर प्रोसेस, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखेगा लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. ठीक है, सो ये है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो ये क्या करता है, पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. मतलब ये क्या करता है कि प्रोसेस को कंट्रोल करता है. ठीक है, सो दिस वन इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक.